मैं क्यों बोलता हूँ? हाँ बोलो नंबर, बोलो नंबर। अरे चले भाई इधर ही आ, इधर साइड में आ जा, उधर मत करो गाड़ियां वहां पे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो आग लगी है इसमें जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई फायर ब्रिगेड वालों की। फायर ब्रिगेड आई है लेकिन इतनी जल्दी नहीं आ पाई, एक आधा पौना घंटा लेट फायर ब्रिगेड आई। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई होती तो आग पे और जल्दी से कंट्रोल कर लिया जाता, लेकिन आपातकालीन बोलते क्या के लिए कि आपातकालीन में तत्काल सेवा मिले लोगों को। और सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा है, ये लापरवाही कब तक चलेगी। ऐसी भिवंडी में कभी भी आग लगती है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो लेट आती है। और अभी मैंने उनसे मालूमात लिया तो वो बोलते हैं कि
मैंने उनको बोला कितनी गाड़ी भिंडी में, तो बोले चार गाड़ी है जिसमें दो बंद पड़ी है, दो चल रही है। अभी अगर इसी के साथ और कहीं आग लग जाती तो कितना बड़ा हादसा हुआ था। अभी चलो यहाँ पर तो कंट्रोल किया, कैसे कैसे वाटर सप्लाई वाले को फ़ोन करके, इसको उसको फ़ोन करके बुला के हम लोग कंट्रोल करा रहे हैं। अंदर आग लगने के काफ़ी यानी एक घंटा, लगभग एक घंटा हुआ, लोग जाके वहाँ पे बाइक से उनको उठा के, फिर हमारे जब साथी लोग गए वहाँ पे और उनको उठा के फिर सब लेके आए साथ में, फिर ये आए हैं। तो एक ही गाड़ी आई और अभी तक काबू में आ नहीं पाया और काफ़ी लापरवाही हो रही है। ये फायर ब्रिगेड के लोग सो रहे थे, फोन नहीं उठाए। आधे से पौना घंटा कब्ल मालूम पड़ा, हमारे पड़ोसी अयूब भाई मोहल्ले में रहते, इनके गोडाउन में आग लगी। ऐसी अफरा तफरी पहुँची मोहल्ले में, तमाम मोहल्ले की आवाम यहाँ जमा हुई। यहाँ जमा हो के फायर ब्रिगेड को लगातार फ़ोन लगाया जा रहा, मैं कंटिन्यू कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया हूँ, फायर ब्रिगेड का कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमारे पुलिस चौकी से दो लोग आए हैं यहाँ पे पुलिसकर्मी, उन्होंने कांटेक्ट किया, वायरलेस घुमाया, तो तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड यहाँ आई है। और आग को अभी काबू में करना मुश्किल है, जब ये लगी थी तब आसानी से बुझ सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की लापरवाही से ये इतनी फैली है, इतनी फैल गई है। एक ही गाड़ी आई है, वाटर सप्लाई में बात करके अभी टैंकर मंगाने के लोग बात कर रहे हैं। फायर मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और करीबन 1:30 बजे मैं सो रहा था तो बाजू वाले ने आके आवाज़ लगाई कि भाई आपके गोदाम से धुआं निकल रहा है। जब हम लोग भाग के आए जब तक अंगार पकड़ लिया था एकदम। क्या मटेरियल, क्या था मटेरियल इसमें? जो कारखाने का लोचन निकलता है वो लोचन था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पे पहुंची है? आधा घंटा लग गया कम से कम उसको आने में। कितने का माल था? लगभग 4 से 5 लाख का माल था। क्या लगता है किस तरह कारण आग लगा होगा? ये कुछ समझे में नहीं आया, जब आप सो रहे थे तो कैसे बताया कैसे लगा। कितना गाला है उसके अंदर? वो एक ही गाला है। मटेरियल क्या था उसके अंदर? मटेरियल कारखाने में जो वैस निकलता है लोचन, वो लोचन था। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।